नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। चूंकि आप सभी को पता ही है कि टेंथ और ट्वेल्थ का एमपी के अंदर रिजल्ट आ चुका है, एमपी बोर्ड का, सीबीएसई का आना बाकी है, अदर स्टेट के भी रिजल्ट अभी आना बाकी है। लेकिन एक तारीख से फोर्स एकेडमी में फिजिकल और रिटर्न की टांडव बैच स्टार्ट हो रही है। उसके लिए आज हमारे पास, हमारे साथ में जुड़े हुए राजस्थान से आए हुए कुछ गार्जियन और स्टूडेंट। अर्जुन है जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, आज एडमिशंस करवा लिया इन लोगों ने। आइए जानते हैं इनसे, एक से डेढ़ घंटा हो गया इनको पूरी प्रोसेस करते हुए, पहले पूरा कैंपस देखा, खाना टेस्ट किया। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से कैसा लगा आखिर फोर्स एकेडमी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एकेडमी में। अर्जुन पहले तो आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले, कौन से गाँव के रहने वाले? राजस्थान में। कहाँ से? अच्छा, कहाँ से पता चला था एकेडमी के बारे में? यूट्यूब से पता चला था। सर पिताजी हैं आपके? आपने सारी चीजें देखी, आपके ये दो साथी हैं, यहाँ एमपी में ही रहते हैं, पचोर के रहने वाले हैं सर? मेरे भैया हैं। अच्छा, ये पचोर के आसपास के ही हैं, लेकिन ये दो लोग जो आए हैं राजस्थान के रहने वाले। आपने सारा माहौल देखा है यहाँ पर, आते से क्या क्या देखा, आपने क्या क्या किया है यहाँ पर वो बताइए आप। मैंने सर बारीकी से यहाँ पे हर चीज की जाँच की थी, बारीकी से मैंने खाना भी खाया, ऊपर हॉस्टल में भी गया, बाहर वो भी देखा, ग्राउंड भी, और सर आपको भी देखा, आपके ऑफिस को भी देखा, सब बच्चों से भी मिला मैं, सबसे बात की मैंने। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, और पहली बार भी मैंने मेरे बच्चे के लिए सेलेक्ट एडमिशन का। अभी ये एक तारीख बाद आएंगे, एक तारीख तक लगभग आएंगे अर्जुन, लेकिन आज ही इनने हमारा जो एकेडमी का माहौल है, एकेडमी का एटमॉस्फियर है, एकेडमी का ग्राउंड, क्लास, जिम, सारी चीजें देखकर इनने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे बेटे के लिए एक सीट आप रिजर्व कर दीजिए, तो एक सीट कंप्लीट हो चुकी है। सर भी हमारे साथ में मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फोर्स एकेडमी पर। ये वीडियो काफी सारे लोग देखेंगे, पूरे इंडिया के अंदर ये वीडियो देखने वाले हैं। आप थोड़ा सा आपके ओपिनियन दीजिए कि बच्चों को यहाँ पर पहुंचाने के लिए क्या माता पिता साथ में आए, या फिर खुद बच्चों को पहुंचा सकते हैं? मैं तो ये समझता हूँ यदि माता पिता भी देख रेख करे जी तो अच्छा, एक बार आकर विजिट करे तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या है, माता पिताओं का हौसला बढ़ता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित जगह, सही बात, सुरक्षित एकेडमी में पढ़ाई पढ़ रहा है जी। तो मेरी जानकारी के अनुसार फोर्स अच्छा है इंदौर के अंदर। हम तो नाम से यूट्यूब से आए थे जी, हमारे रिश्तेदार जी हैं, दौसा जिला में, राजस्थान में दौसा जिला बांदीकुई तहसील के रहने वाले हैं। बराबर। मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मेरा निवास स्थान दौसा जिला में बसवा तहसील से। अच्छा, आपने जब यहाँ पर आए हैं सर, आप ये पचोर के रहने वाले हैं यहीं पर, हालांकि राजस्थान से हैं लेकिन काफी टाइम से पचोर में रह रहे हैं, तो आप पचोर के निवासी हो चुके हैं, तलेन के पास पचोर है। आपने जब यहाँ पर आया, आकर देखा, ग्राउंड की डिस्टेंस, हॉस्टल की डिस्टेंस और कैंपस, बहुत ज्यादा कोई दूरी पर तो नहीं है ये सारी चीजें? कवर्ड कैंपस है, पास में ग्राउंड होने के फायदे मिलेंगे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे आने वाले समय में। जो भी यहाँ आएगा ना, मेरे हिसाब से तो वो यहाँ से सेलेक्ट होकर नहीं जाएगा और सेलेक्ट होके जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक और चीज की बात कर लेते हैं, इंदौर जैसे महानगर में फीस ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं है हमारी? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना, नॉर्मल जो अफोर्ड कर सकते हैं, किसान के बेटे अफोर्ड कर सकते हैं जी, इतनी है। बिल्कुल। तो साथियों, ये आपका व्यवहार इतना बढ़िया लगा जी कि हम इतने जगह जाए पहले, सीकर वगैरह से कहाँ कहाँ जाए जी, पर आपका इतना बढ़िया व्यवहार लगा हमको कि हमारे पास में अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आते ही कह दिया था, दैट्स ऑल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आते ही बोल दिया, आते ही बोल दिया कि हमें कहीं नहीं घूमना है, कहीं नहीं घूमना है, कहीं नहीं जाना है, हमें यही अपने बच्चे का एडमिशन कर। तो साथियों, ये वीडियो आप आपके माता पिता को जरूर दिखाएं और कोशिश करें कि अपने माता पिता को यहाँ पर लेकर आए, एक बार विजिट करवाएं, और विजिट करवाने के बाद उनके ही ऊपर आपके डिसीजन छोड़ दीजिए। एक तारीख से फिर न्यू बैच स्टार्ट हो रही है आर्मी टांडव की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, कॉल करें और ज्वाइन करें। जय हिंद।